हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीएससी कैंडिडेट भर्ती के बारे में। जी हां फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि सीएससी की तरफ से 20 लाख युवाओं की भर्ती सीएससी के अंदर की जा रही है। तो फ्रेंड्स, यह भर्ती किस प्रकार से की जाएगी, किस प्रकार से आपको सीएससी के माध्यम से रोजगार मिल सकता है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो अगर आपकी भी इसकी फुल प्रोसेस जानना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का जरूर देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप यहां पे क्लिक करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसके बाद आप यहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहां पे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नई नई जानकारी यहां से मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसकी न्यूज़पेपर में आई है, सबसे पहले तो हम आपको वो दिखा देते हैं जिससे आपको भरोसा हो जाए कि ये जो सर्विस है ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल जो है ऑफिशियल न्यूज है। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत डिजिटल कैडेटों का चयन इस वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा। सीएससी से 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत स्थापित सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर प्रदेश भर में 3 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कैडेट बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ेगा। यह डिजिटल कैडेट सीएससी की तमाम सेवाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। कैडेट का चयन रजिस्ट्रेशन होगा और विभिन्न सेवाओं के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हर सीएससी पर रखे जाएंगे 5 कैडेट्स। प्रदेश में करीब 70,000 सीएससी सक्रिय हैं। इसके संचालक यानी वीएलई विलेज लेवल इंटरप्राइजेस के 5-5 कैडेट रखे जाने को कहा गया है। सीएससी के राज्य प्रमुख अतुलित रॉय का कहना है कि डिजिटल कैडेट्स ग्रामीण स्टोर्स, ई किसान, ई मार्ट जैसी तमाम सेवाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे। वही सरकार व अन्य एजेंसियों के सर्वे आदि भी करेंगे। बताया है कि इस वर्ष के अंत तक इनका चयन किया जाना है और आर्थिक गणना का जो काम है वो भी इन्हीं को दिया जाना है। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे जो है इसमें काम मिलने वाला है और आप इसका जो है लाभ उठाकर जो है सीएससी के तहत उसके कैडेट बनकर इसका काम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, जो इसकी ऑफिशियल न्यूज है वो आप यहाँ पे csc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, जहां पर आपको इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीएससी टू इंप्लॉय 20 लाख डिजिटल कैडेट्स इन 4 लाख सीएससी अक्रॉस द कंट्री। यानी कि फ्रेंड्स, इंडिया में जो 4 लाख सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर है इनके अंतर्गत 20 लाख जो है डिजिटल कैडेट्स की भर्ती करी जाएगी। अभी फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे हिंदी में करके भी वही चीज बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जानकारी है वो हिंदी में आ जाएगी। और फ्रेंड्स, यही सारी बात बताई गई है कि सीएससी के अंदर जो है हर सीएससी सेंटर पे 5-5 कैडेट्स की भर्ती करी जाएगी, जो कि सीएससी की सभी सेवाओं का लाभ उठाएंगे और घर घर जाके सीएससी की सेवाओं को पहुंचाएंगे। इससे फ्रेंड्स, जितने भी जो युवा हैं उनके लिए सीएससी की तरफ से रोजगार दिया जाएगा और वो भी पैसा यहां से कमा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि यहां पे आप अपने सीएससी सेंटर के अंदर 5-5 कैडेट्स बना सकते हैं जो कि आपके अंदर काम करेंगे और फ्रेंड वो सीएससी की सेवाओं को घर घर पहुंचाएंगे। अभी फ्रेंड्स, आपको इन्हें बनाना कैसे है, कैसे आप इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे वो काम करेंगे, तो फ्रेंड इसके लिए मैं जल्दी एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं और तुरंत ही कुछ समय बाद मैं वो वीडियो भी यहां पे अपलोड कर दूंगा जिससे आप डिजिटल कैडेट भी बना पाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और साढ़े साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।